हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करने वाले हम एसएससी सीजीएल के अंतिम फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो अंतिम फाइनल कट ऑफ आपके क्या रह सकती है, तो वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहकर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आपको आगे की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको रो मार्क्स के बारे में बताऊंगा, तो रो मार्क्स यानी कि आपके आंसर के आने के बाद आपके जो कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने राइट हुए, इनको सब कट पिटा कर आपको लगे इतने बन रहे नंबर रो मार्क्स, तो उसके पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। उसके बाद नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या रह सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यूर कैटेगरी की बात करते हैं, तो यूर कैटेगरी में अगर आपके 103 से 107 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, इससे आप 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे भी मान सकते हैं। अगर आपके आसपास बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सेफ है, सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। योर कैटेगरी 103 से 107 के बीच में, ओबीसी की 97 से 103 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की 96 से 102 के बीच में, और एससी की 91 से 95 के बीच में, और एसटी की 85 से 90 के बीच में। अगर इसके आसपास अगर आपके कट पिट के इतने नंबर आ रहे हैं और इससे 2 से 3 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसी के लंबे में अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से सेफ है और CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और नॉर्मलाइज कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मलाइज कट ऑफ यानी कि रो मार्क्स भी बढ़ गई होती लगभग 7 से 10 नंबर, और मैंने वीडियो भी बनाया कि कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ सकते हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लगभग लास्ट से यानी कि अंतिम से 18 से 19 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने की संभावना बन सकती है, और कम से कम 5 से 6 नंबर। तो देखते हैं अगर नॉर्मलाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, तो यूआर कैटेगरी में 109 से 117 के बीच में आपके हो सकती है। अगर नॉर्मलाइज ज़्यादा होगा तो लगभग थोड़ी बढ़ने की संभावना हो सकती है 2 से 3 नंबर, और एसकेप्टर कट ऑफ आपके 109 से 117 के बीच में रहेगी नॉर्मलाइज होने के बाद, और यूआर कैटेगरी की 109 से 117 और ओबीसी की 104 से 109 और ईडब्ल्यूएस की 101 से 107 और एससी की 96 से 103 और एसटी की 92 से 97। तो इसी के लमसम अगर आपके नंबर बन रहे 2 से 3 नंबर ऊपर, तो आप निश्चित रूप से सेफ है। और मैंने दोनों की कट ऑफ बता दिए, रो मार्क्स एंड नॉर्मलाइज कट ऑफ की। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बुलाया जाएगा, यानी कि 4 लाख कैंडिडेट तो आप मान कर 3.5 से 4 लाख कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, ये निश्चित रूप से तय है। 10 गुना कैंडिडेट लेंगे तो इतने तो कैंडिडेट को बुलाना जाना ही चाहिए। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसे लगी कि जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आपको आगे की न्यू अपडेट आपको मिलती रहेगी। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।